मैं कोवर्ट इंडियन हूँ। दोस्तों, विराट कोहली के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस आपस में लड़ने से बहुत पहले एक और मशहूर प्रतिद्वंदिता थी। प्रतिद्वंदिता मतलब राइवलरी, और ये राइवलरी थी रॉनी और सनी के बीच में। साल था 1989। रॉनी सिंह टीम इंडिया के एक स्टार बैट्समैन थे। मशहूर अमरीकी मॉडल सिंडी क्रॉफर्ड इनके माताजी थे और इनके बड़े भाई विक्रम सिंह क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। नेपोटिज्म रॉक्स। रॉनी सिंह वाज अ राइट हैंडेड एग्रेसिव बैट्समैन और इनकी खासियत ये थी दैट ही ऑलवेज एड्रेस्ड हिमसेल्फ इन थर्ड पर्सन व्हाइल टॉकिंग। रॉनी को देखकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। रॉनी के टक्कर का नाक कोई आया है, पूरी दुनिया रॉनी से मिलना चाहती है। रॉनी तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देगा। रॉनी पियकड़ने। या आई जस्ट स्पोक टू द क्लाइंट, उन्होंने कुछ फीडबैक भेजा है। आई एम मेलिंग दैट टू यू। कोवर्ट इंडियन कभी किसी से फीडबैक नहीं लेता। हां व्हाट? एक बार जो कोवर्ट इंडियन ने फर्स्ट ड्राफ्ट भेज दिया तो वही फाइनल ड्राफ्ट है। हेलो, द क्लाइंट इज पेइंग यू फॉर दिस वर्क। तुम्हें क्या लगता है, कोवर्ट इंडियन ये सब पैसों के लिए कर रहा है? हाँ बिल्कुल, और क्यों बेटा, पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, क्या चेंजेस है? 1989 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक 3-मैच ओडीआई सीरीज खेली गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले के 2 मैचेस जीतकर सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे मैच के लिए ज्यादा क्रेज तो नहीं होगा। On the contrary, the Indian Cricket Board makes extra preparations for this third ODI. They organize a practice match in middle of an ongoing series to select the best playing 11 for the third ODI match. और ये practice match देखने हजारों लोग आते भी हैं, जिनमें से कुछ लोगों के ₹50 काट देने चाहिए थे ओवर एक्टिंग के लिए। रॉनी आता है, रॉनी छक्का मारता है, रॉनी लड़की को आंख मारता है और फिर रॉनी आउट हो जाता है। Now because he is out of form, third ODI के लिए उसको टीम से हटा देते हैं। And just to confirm, this guy here who is dressed up like it's a work from home meeting is also a selector. और ये मत पूछो कि एक टीम सिलेक्शन मीटिंग में बोर्ड प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। टीम से बाहर होने के बाद रॉनी पागल हो जाता है and he decides to bomb the Brabourne Stadium of Mumbai. Yeah, that escalated little too quickly. Thankfully, he is not able to do that because the president of Indian Cricket Board is also Director General of Police, who was also a foreign ambassador once. बड़ा भाई इतना मल्टी टैलेंटेड है और छोटा भाई, और दूसरी तरफ थे एक उभरता सितारा सनी, यंगेस्ट प्लेयर टू मेक हिज डेब्यू सिंस सचिन तेंदुलकर, बिफोर द रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय 13-year-old करण हु मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान। सो सनी कम्स इन टू बैट इन दिस प्रैक्टिस मैच और बहुत ही यूनिक फील्ड प्लेसमेंट है। फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है एंड लुक एट दिस खतरों का खिलाड़ी। एक स्क्वायर कट से इनका सर फूट जाएगा लेकिन रन्स तो बचेंगे, इतनी डेडिकेशन। सनी आते ही चौके छक्के मारना शुरू करते हैं। ही लुक्स वेरी फोकस्ड, he plays some lovely shots and ये क्या चल रहा है भाई? हेलो, इतना रैंडम, ये क्या मतलब 80s के जमाने का टिकटॉक था? एनीवेज, सनी की सिलेक्शन हो जाती है टीम इंडिया में एंड आई एम वेरी श्योर कि सिलेक्शन के बाद उसने काफी मेहनत की होगी। देखिए कैसे जोश से भाग रहा है, अभी पक्का क्रिकेट प्रैक्टिस करेगा। देखो दोस्तों, मैं कॉस्ट्यूम लाया हूं, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। सॉरी दोस्तों, दैट वाज द रॉन्ग फुटेज। हां ये वाला होगा फील्डिंग प्रैक्टिस। ओह ये भी नहीं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्रिकेट खेलते हुए जरूर दिख जाएगा। अबे क्रिकेट प्रैक्टिस करता है भी कि नहीं? आई थिंक ये चाहल का अच्छा दोस्त बन जाता। मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, लंच करता हूँ। 5 बजे? यस भैया। आपके टीममेट्स आपको नहीं उठाते? उठाते हैं दूध पिलाने के लिए, फिर दूध पीते हैं, फिर वापिस सो जाते हैं और फिर नेट प्रैक्टिस, फिर पबजी खेलते हैं। अबे तू क्या 14 साल का बच्चा है क्या? आई मीन जस्ट इमेजिन गाइस, ये सनी रॉनी इंडिया के बेस्ट ऑप्शंस है, जो मौका मिलने पर किसी भी देसी बार में गली के गुंडों की तरह लड़ते हैं। और क्या दोनों अपने आप को ब्रैडमैन के ऊपर समझते हैं? मतलब हर एक बाउंड्री मारने के बाद क्राउड की तरफ बैट दिखाते हैं। मीनवाइल देयर आर 3 बॉम्ब ब्लास्ट इन द सिटी। यू माइट स्पेकुलेट दैट पीपल वुड हैव बीन वेरी स्कैर्ड, बट यहाँ पे तो अलग ही प्रायोरिटीज है। लोग डर रहे हैं कि वनडे इंटरनेशनल मैच होगा भी कि नहीं। सो डिस्पाइट द टेरर थ्रेट, द मैच गोस ऑन एज शेड्यूल्ड। इंडिया इज चेजिंग 275 एंड Where is the pitch? अरे भाई लोग पिच किधर है? अब शायद घास के बीच में कहीं खो गया है। देखो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, कुछ सीखो, इससे और ग्रीन पिच बना सकते हो। चेस करते वक्त इंडिया लूज क्विक विकेट्स बिफोर सनी कम्स इनटू बैट। देखो बैट कैसे शाइन हो रहा है, एकदम ब्रांड न्यू है, क्योंकि बैट का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं। भाई साहब के कुछ अलग ही प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। बट देन सनी स्टार्ट सिटिंग 4s and 6s। ओ सॉरी, स्पॉन्सर्स का नाम नहीं लिया मैंने, तो लेट मी रिपीट। और ये मारा गरवारे चौका। सनी के बाउंड्रीज का वैगन व्हील ऐसा कुछ दिखेगा। इनको पुल शॉट से इतना प्यार है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी लगा कि चलो यार इसको खेलने देते हैं, इसका फर्स्ट मैच है।
और इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया के दीपक तिजोरी इनको शॉर्ट पिच बॉल ही डालते हैं। और वैसे भी ऑसिस वेर लीस्ट बॉदर्ड यार, आई मीन दे हैड ऑलरेडी वॉन द सीरीज। अभी इसे देखो किधर देख रहे हैं भाई, चलो कम से कम वो किधर तो देख रहे, और ये वाले भाई साहब को तो शो देखना भी नहीं है। और इनके बगल में जो बंदे हैं आई थिंक इनको दांडिया खेलना है। तो सनी ऑस्ट्रेलियंस को पेलता है लेकिन एक बाउंसर कनेक्ट नहीं कर पाते जिसकी वजह से ही गेट्स इंजर्ड एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ही डिजर्व्ड इट। आई मीन ये चीज मैं पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ यार, हेलमेट क्यों नहीं पहनना है किसी को, एंड स्पेशली सनी हुज ग्रेट ग्रैंडफादर भुवन हैड आल्सो गॉट इंजर्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय अ बाउंसर फ्रॉम अ इंग्लैंड बॉलर। अरे पूर्वजों के गलती से तो सीख लो। लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि सनी ने हेलमेट क्यों नहीं पहना था। दैट्स बिकॉज दिस गाय इज पेन प्रूफ। इसके पास एक सीक्रेट हथियार है, अ टेप रिकॉर्डर गिवन बाय हिज गर्लफ्रेंड वेयर शी इज सेइंग आई लव यू इन लूप। तो बस सनी वो मैसेज सुन के एकदम ठीक हो जाते हैं। आई थिंक BCCI एंड ICC शुड टेक अ नोट हियर। ये क्या हमेशा कंकशन टेस्ट करते बैठना, जस्ट लेट देयर पार्टनर कॉल देम एंड से आई लव यू एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सनी कीप्स हिटिंग ओनली गारवारे चौकेस एंड छक्केस बट द ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स नेवर स्प्रेड आउट, इनफैक्ट दे कीप क्लोजिंग इन। अरे अरे रुको भाई, अभी क्या बैट्समैन पे ही चढ़ जाओगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है दैट इंडिया इज लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स बट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग, सनी को चाहिए 35 रन अपना शतक पूरा करने के लिए। सो इवन व्हेन इंडिया हैज लॉस्ट 9 विकेट्स, हार जीत से ज्यादा क्राउड को मायने रखता है कि सनी सेंचुरी चाहिए सेंचुरी। सनी हिट्स द सेंचुरी, इंडिया विंस द मैच, ही आल्सो विंस द मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड अलोंग विद इट अ ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज। आई एक्चुअली फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर हिज गर्लफ्रेंड आल्सो, क्योंकि जब 2-3 दिन पहले रॉनी उसी लड़की को डांस के लिए पूछता है, शी सेज दैट शी विल ओनली डांस विद हिम आफ्टर ही विंस द मर्सिडीज बेंज एज मैन ऑफ द मैच अवार्ड। चलो रॉनी हो या सनी, गाड़ी तो मिल गई, सनी खुश, लड़की भी खुश। एंड आई होप दैट ये वीडियो देख के आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द कोवर्ट इंडियन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।